भेड़िया से कम मचाने वाले हैं धमाल, क्या वरुण शादी के बाद बदल चुके हैं? कृति ने इस बारे में क्या खुलासा किया? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज, मैं हूं सोनिका जाल। सुपरस्टार वरुण धवन और कृति सेनन इस समय भेड़िया को लेकर चर्चाओं में है। ये दूसरी बार होगा जब दोनों साथ काम करेंगे। इससे पहले वो दिलवाले में नजर आ चुके हैं। फिल्म की शूटिंग चल रही थी लेकिन अचानक कोविड के चलते से रोकना पड़ा। हाल ही में वरुण धवन को लेकर चर्चा थी तब जब उनकी शादी हो गई थी। उन्होंने अपनी बचपन की दोस्त नताशा तलाल से शादी कर ली और उन्हें हमसफर बना लिया, जो कि काफ़ी वक्त से एक दूसरे को डेट भी कर रहे थे। लेकिन इस समय कृति सेनन का एक बयान सामने आया है जो कि उन्होंने वरुण धवन की शादी को लेकर दिया है। दरअसल इसमें बताया जा रहा है कि शादी के बाद वरुण धवन में काफ़ी बदलाव आ चुके हैं। इसके बारे में कृति सेनन ने खुलासा किया और टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में कहा कि वरुण धवन अब शादीशुदा है लेकिन वो वैसा ही है जैसा पहले था। हाँ, कुछ बदलाव आ गए, जैसे कि वो पहले से ज़्यादा समझदार हो गया। मतलब क्या था कृति का कि वरुण पहले समझदार नहीं थे? वैसे हाँ, शादी के बाद ऐसा होता भी है, थोड़ी सी मेचोरिटी ज़्यादा आ जाती है क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। हंसते हुए इस तरह से कृति सेनन ने वरुण को लेकर जवाब दिया जो कि काफ़ी चर्चा का विषय बन गया है। बॉयफ्रेंड की बात करें तो वरुण किस से धमाका मचाने को तैयार है और इस फिल्म का भी वरुण के फैंस को बहुत इंतज़ार हो रहा है। गौरतलब है कि इस फिल्म में वरुण धवन अरुण खेत्रपाल का किरदार निभाने वाले हैं, जो कि एक रियल लाइफ किरदार है, रियल लाइफ स्टोरी है। वहीं ये पहली बार होगा जब किसी बायोपिक में वरुण धवन नज़र आएंगे। वहीं भेड़िया की बात करें तो ऑलरेडी इसका मोशन पोस्टर रिलीज कर दिया गया था, जो कि एक अलग कहानी लेकर आ रहा है, काफ़ी सस्पेंस भरा है और वरुण को इससे पहले ऐसे किरदार में कभी नहीं देखा गया था। वहीं कृति सेनन भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को लेकर बिजी है, उनकी बहुत सारी फिल्में आ रही है। टाइगर के साथ वो गणपत में नज़र आने वाली है, मिमी उनकी आने वाली, तो बहुत सारी फिल्में लाइनअप में है। लेकिन कोविड के चलते फिल्मों का जो शूट है वो रुक गया है दोस्तों। तो आपको कितना इंतज़ार है कृति की फिल्म भेड़िया का और कितनी पसंद है इन दोनों की जोड़ी, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज़ को।